हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वेंजेंस बाय अनिमा। मैं अनिमा आज आपके लिए लेकर आई हूँ डोरा केक की रेसिपी। और ये बच्चों की पहली पसंद बन गई है, क्योंकि बच्चे डोरेमोन देखते हैं तो उनका डोरेमोन का केक उन्हें बहुत पसंद आता है। और इसे बनाकर आप बच्चों का दिल जीत सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसे बनाना बिल्कुल आसान है और इसे बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, बहुत जल्दी बन के तैयार होता है। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं हम डोरेमोन का फेवरेट और हम अपने बच्चों का फेवरेट डोरा केक। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको न्यू अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ 2 कप मैदा लिया है। आप इसे गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं और ये तभी भी बहुत टेस्टी बनती है। तो 2 कप मैदा लिया है, 1 कप चीनी ले लिया है और 1/2 कप मिल्क पाउडर ले लेना है। बिल्कुल रेशियो जो है वह बिल्कुल क्लियर है। मैदे का 1/2 क्वांटिटी में हमें चीनी लेना है और 1/4 क्वांटिटी में लेना है हमें मिल्क पाउडर। यहाँ पे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा ले लिया है और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। ड्राई जितना हमारा है इंग्रेडिएंट, उन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर यहाँ पर देखिए, मैंने 1 कप दूध ले लिया है और जो दूध हम ऐड करेंगे, मिल्क ऐड करेंगे, वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे, फिर थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे। इसी तरीके से हमें एक अच्छा सा बैटर बना लेना है। कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा दूंगी, जो मेजरमेंट मैं बता रही हूँ सेम मेजरमेंट से अगर आप बनाते हैं तो फिर आपको कंसिस्टेंसी चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर भी आपको मैं कंसिस्टेंसी दिखा दूंगी। बहुत ज़्यादा थिक बैटर भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो हमें मीडियम कंसिस्टेंसी में ही बैटर को रखना है। पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर इसके कंसिस्टेंसी को मैं चेक करके देखती हूँ। देखिए, इस बैटर को अभी देखें तो ये थोड़ा सा थिक है, तो मैंने इसमें 2 चम्मच के करीब पानी और ऐड कर लिया है। जिस कप से आप मैदा का मेज़रमेंट कर रहे हैं, जिस मेज़रमेंट के लिए जिस कप को अभी आप यूज़ कीजिए, सेम उसी कप से आपको 1 कप दूध और 2 चम्मच और दूध या पानी, जो भी आप डालना चाहें वो डाल के अच्छे से एक बैटर सा तैयार कर लीजिए। अभी ये बैटर आपको पतला लग रहा होगा, लेकिन इसे हम लगभग 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे तो ये थोड़ा थिक हो जाएगा। यहाँ पर मैं इसमें 1 चम्मच वनीला एसेंस डाल रही हूँ। अगर आप वनीला एसेंस की फ्लेवर को पसंद नहीं करते तो कोई बात नहीं, इलायची पाउडर यहाँ पर ऐड कर दीजिए। वैसे बच्चे जो हैं वो वनीला एसेंस, वनीला फ्लेवर बहुत पसंद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बैटर अब हमें ढक करके 15 से 20 मिनट इसको छोड़ देना है। और 15 से 20 मिनट के बाद हम इसकी कंसिस्टेंसी भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 चम्मच शहद ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल स्किप नहीं करना है, शहद ज़रूर ऐड करना है। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा हमारे पैनकेक में, हमारे डोरा केक में। तो अब यहाँ पे देखिए बैटर की कंसिस्टेंसी, ये बहुत गाढ़ी भी नहीं है और फ्लो में एक गिर रही है, लेकिन थिकनेस भी है। तो अब हमारी बैटर तैयार है। तो इसके बाद हमें एक तवा या पैन ले लेना है, उसमें हल्का सा ऑयल स्प्रिंकल कर लेना है या ब्रश कर लीजिए, ग्रीस कर लीजिए। और एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो हमें तवे पे नहीं रहने देना है। पैनकेक में ऑयल की कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे एक्स्ट्रा ऑयल को हम टिश्यू पेपर से निकाल देंगे। अब तवे में हल्की चिकनापन आ चुकी है, तो यहाँ पर हम बैटर ऐड करेंगे। एक छोटी सी करछी या कुछ कोई भी कटोरी भी ले सकते हैं, तो आराम से बिल्कुल स्मूथ सा आपको एक जो पूरी वाली साइज़ होती है उस साइज़ की हमें एक पैनकेक बनानी है। उसे 1 मिनट के लिए ढक देना है। 1 मिनट बाद जब आप हटाएंगे तो आप देखेंगे कि एक साइड पक गया। जैसे ही बबल्स आ जाए, इट मीन्स कि पहले साइड ये पक चुका है। तो इसे पलट के हमें दूसरे साइड भी सेक लेना है। तो पहले साइड में ये ब्राउन कलर आ गया, दूसरे साइड में ये ऑलरेडी पक चुका है, तो हमें ब्राउन नहीं करना है, लाइट ब्राउन ही रखना है दूसरे साइड पर। अगर आपका तवा बड़ा है या पैन बड़ा है तो आप आराम से 2 पैनकेक एक साथ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसी तरीके से आप बनाइए, दोनों साइड से किए। एक साइड में ये कलर आएगी, दूसरे साइड में लाइट ब्राउन सा रह जाएगा। तो उसे डार्क ब्राउन करने की कोशिश मत कीजिएगा, बिल्कुल ऐसे ही ये परफेक्ट है। तो इसी तरीके से मैंने सारे पैनकेक्स बना के रख लिए हैं। और मैं आपको यहाँ देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ ये कितने अच्छे से, बहुत अच्छे से बन गई है और ये बहुत फ्लफ़ी भी है। तो इसे आप ऐसे भी खा सकते हैं, ये ऐसे भी बहुत टेस्टी लगती है। तो अभी चलिए, अब मैं इसको डोरा केक बनाने के लिए हमें क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने न्यूटेला लिया है। आप कोई भी चॉकलेट स्प्रेड ले लीजिए, उसे थोड़ी देर के लिए आपको फ्रिज में रख देना है। और उसके बाद एक पैनकेक उठाना है और उसमें अच्छे से चॉकलेट स्प्रेड को
न्यूटेला को अच्छे से लगा लीजिए, जैसे सैंडविच हम बनाते हैं बिल्कुल इसी तरीके से आपको लगा लेना है। तो देखिए मैं इस तरीके से लगा ले रही हूँ। और दूसरा जो होगा पैनकेक, वो उसको एक ही पैनकेक पे हमें चॉकलेट स्प्रेड लगानी है, दूसरे को डायरेक्ट इस पे रखिए और उसके बाद हल्का सा दबा दीजिए इसको, ताकि जो चॉकलेट स्प्रेड है वो बाहर आ जाए। और ये लुक इसकी, और देखने में भी ये बहुत अच्छी लगेगी और बच्चे देखते ही खा जाएंगे। तो ज़रूर अपने बच्चे के लिए ये चीज़ बनाइए, और अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए, खासकर जिनके छोटे बच्चे उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय, हैव अ नाइस डे।